1000 वर्षों पहले की बात है। अयोध्या नाम का एक सुंदर राज्य था, जिसके राजा का नाम राजा दशरथ था। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, रानी कौशल्या, रानी सुमित्रा और रानी कैकेयी। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राजा के बड़े बेटे राम का विवाह मिथिला नरेश के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री माँ सीता से हुआ था। अयोध्या का सारा कारभार अब अपने बड़े बेटे राम को सौंपने का निश्चय राजा दशरथ ने किया। राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का राजा बनाने की घोषणा की। तब सभी लोग बहुत खुश हुए, पर रानी कैकेयी बिल्कुल खुश नहीं थी। रानी कैकेयी ने अपनी नाराजगी जताते हुए राजा दशरथ से कहा, महाराज, आपने मुझे 2 वचन दिए थे और आज उन वचनों को पूरा करने का समय आ चुका है। राजा दशरथ ने बड़े ही प्यार से रानी कैकेयी से पूछा, हाँ रानी कैकेयी, बोलो तुम क्या चाहती हो? रानी कैकेयी बोली, महाराज, मैं चाहती हूँ मेरा पुत्र भरत इस अयोध्या का राजा बने और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। रानी कैकेयी की ये 2 वचन सुनकर सभी लोग बहुत दुखी हुए, पर वचन तो पूरा करना ही था। पिता के वचन को पूरा करने के लिए भगवान राम, लक्ष्मण और सीता राजा दशरथ का आशीर्वाद लेकर वनवास के लिए निकल गए। एक दिन माता सीता अपना कुछ काम कर रही थी, तभी उन्होंने एक सुंदर हिरन को देखा। हिरन को देखकर माँ सीता बोली, अरे कितना सुंदर हिरन है, एकदम सुनहरे रंग का। ऐसा बोलकर वह अपने स्वामी को आवाज देने लगी, स्वामी स्वामी स्वामी। राम कुटिया के बाहर आकर, हाँ सीते, बोलो क्या हुआ? स्वामी, मैंने यहाँ अभी एक सुनहरे हिरन को देखा, बहुत ही सुंदर था, क्या आप उसे मेरे लिए ला सकते हो? हाँ सीते, मैं अभी उसे तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ, पर तुम यही रुकना। ऐसा कहकर भगवान राम हिरन की खोज में निकल जाते हैं। बहुत देर बाद भी जब राम नहीं लौटाते, तब सीता हैरान होकर, अरे मेरे स्वामी अभी तक नहीं लौटे। उतने में प्रभु श्री राम का आवाज आता है, लक्ष्मण लक्ष्मण, सीते सीते। आवाज सुनकर माँ सीता, अरे यह तो मेरे स्वामी की आवाज है और वो लक्ष्मण को आवाज देती है। लक्ष्मण लक्ष्मण, देखो तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे हैं। लक्ष्मण, देखो तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे हैं। हे माते, मुझे यह कोई मायावी जाल लग रहा है, पर आप चिंता ना करें, भैया जल्द ही लौट आएंगे। नहीं लक्ष्मण, मेरी आज्ञा का पालन करो और जाओ अपने भैया की रक्षा करो। जो आज्ञा माते, किंतु अब इस रेखा को पार मत करना, मैं जल्द ही भैया को वापस लेकर आऊंगा। लक्ष्मण की शंका सही थी, यह माया जाल रावण का ही था। भगवान राम और लक्ष्मण के होते हुए वह सीता को नहीं ले जा सकता था, इसीलिए उसने राम का आवाज निकालकर लक्ष्मण को भी बाहर भेज दिया। दूसरी तरफ रावण को यह भी पता था कि वह लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकता है, इसीलिए उसने साधु का रूप धारण कर लिया। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, प्रणाम ऋषिवर।
कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हे बेटी, इस साधु को कुछ भिक्षा दे दो। अब यही रुकिए ऋषिवर, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए। हे देवी, एक साधु का इतना घोर अपमान कि घर के द्वार से ही भिक्षा लेकर भेजना चाहती हो? जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी भिक्षा। नहीं नहीं ऋषिवर, आप नाराज ना हो, मैं खुद बाहर आती हूँ। मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं रावण हूँ। रावण, आखिर मैंने तुम्हें अपने जाल में पकड़ ही लिया। चलो मेरे साथ मेरी लंका में। बचाओ बचाओ स्वामी स्वामी। वही दूसरी तरफ भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता को कुटिया में ना देखकर बहुत चिंतित हुए और सीता माता की खोज में निकल गए। खोज के दौरान उनकी मुलाकात भगवान राम के परम भक्त श्री हनुमान से हुई। प्रभु श्री हनुमान ने अपनी अंगूठी भक्त हनुमान को देकर लंका भेज दिया और कहा, जाओ सीता की खोज करो। हनुमान बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का प्रयास करके आखिर सीता माता को ढूंढ ही लिया। प्रणाम माते, सुखी रहो पुत्र, पर तुम कौन हो? माते, मैं प्रभु श्री राम का परम भक्त श्री हनुमान हूँ। मुझे श्री राम ने आपकी खोज में लंका भेजा है। पुत्र, पर मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें मेरे स्वामी ने भेजा है? ये लीजिए माते अंगूठी, जो मुझे श्री राम ने आपको देने के लिए कहा था और बोला था कि इसे देखकर आप समझ जाओगी कि मैं राम का भेजा हुआ दूत हूँ। अरे हाँ, ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। अब आप चिंता ना करें, प्रभु श्री राम जल्द ही इस रावण का वध करके आपको यहाँ से बाहर ले जाएंगे। अब आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ पुत्र, पर तुम्हारे प्रभु श्री राम से कहना कि उनकी सीता उन्हें बहुत याद करती है। जो आज्ञा माते। लंका की खबर और माता सीता का संदेश लेकर भक्त हनुमान श्री राम के पास पहुंचे। विचार विमर्श करने के बाद श्री राम, लक्ष्मण और भक्त हनुमान अपने सभी साथी के साथ लंका पहुंचे और उन सभी में घमासान युद्ध शुरू हुआ। आखिर में प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया और इस युद्ध में प्रभु श्री राम का विजय हुआ। प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके मां सीता को लंका से बाहर निकाला और वे सब लोग 14 साल का वनवास पूरा करके अपने राज्य अयोध्या पहुंचे। अयोध्या की जनता ने सभी का स्वागत करके पूरी अयोध्या को दिए से जगमगा दिया और इसी तरह राम, लक्ष्मण, सीता अपना 14 साल का वनवास पूरा करके अपने राज्य अयोध्या पहुंचे।